नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई समीक्षा बैठक के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कोरोना के रोकथाम को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही कोरोना के रोकथाम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। बाहर से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी रखने को कहा गया है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सचेत रहने की नसीहत दी गई है। कोरोना की कम से कम 70% आरटीपीसीआर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। इसमें देरी नहीं करने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसी भी पर्व, उत्सव या आयोजन में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे, इस बात का ध्यान रखने की भी नसीहत दी गई है। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को और भी बढ़ाने की बात कही गई है। सभी हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और पुलिस कर्मियों का टीकाकरण तेजी से करवाए जाने की बात कही गई है। इसमें कोई भी वंचित ना रहे, इस बात का ध्यान रखने की भी नसीहत दी गई है। इसके साथ ही सभी पेंशनधारियों का भी टीकाकरण जरूर से जरूर करवाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्कूल अभी खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्कूल में सभी जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की जरूरत भी बताई गई है। सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, इस बात की भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नसीहत दी है। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें, इस बात को लेकर के भी जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने कोविड-19 से संबंधित प्रस्तुतिकरण के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2021 तक कुल 23,58,747 जांच किए गए हैं। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,80,570 जांच किए जा रहे हैं। कुल पॉजिटिव केस 2,63,355 है, जबकि कुल एक्टिव केस की संख्या 436 बताई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत रिकवरी रेट 96.26% बताया गया है, जबकि राज्य का औसत रिकवरी रेट 99.24% बताया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत मृत्यु दर 1.38% है, जबकि राज्य का औसत मृत्यु दर 0.59% है। राष्ट्रीय स्तर पर डेली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का औसत 3.2% है, जबकि राज्य का 0.1% है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 100% जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों के कंट्रोल रूम को भी एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है और स्थितियों पर नजर भी रखी जा रही है। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी दी है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जा रही है। पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैठक के दौरान पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास और सारण के जिलाधिकारियों ने अपने जिले में टेस्टिंग सेंटर, एक्टिव केस, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, वैक्सीनेशन स्टेटस आदि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के लोग पूरे देश में रहते हैं। होली के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लोग बिहार वापस आएंगे। उन्होंने कहा है कि ट्रेन, बस, हवाई मार्ग से बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखनी जरूरी है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों एवं एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच सुनिश्चित करें। शहर में आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को भी ध्यान रखें और उसकी भी जानकारी रखें और संपर्क में आने वाले लोगों को भी सचेत करें। कभी कभी एक ही परिवार के लोग बाहर से आते हैं और उनके संपर्क में आने वाले कई संक्रमित हो जाते हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना की कम से कम 70% जांच आरटीपीसीआर होनी चाहिए। आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। किसी पर्व, उत्सव का आयोजन सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बैठक में उक्त बातों का निर्देश दिया है, ताकि बिहार में कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।